अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आप देख रहे हैं सोशल मीडिया चैनल देख रहा है पाकिस्तान और मैं हूं फैसल जहाद। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क की इस वक्त माशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल काफ़ी अबतर हो चुकी है। इमरान खान साहब भी अपना हकीकी इरादी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ लेकर निकल चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मोहसिन शाह नवाज रांझा के पर्सनल असिस्टेंट चौधरी मोहम्मद सफदर गुज्जर साहब। उनसे मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं, उसके अलावा हल्का में जो उनके तरक्याती काम उन लोगों ने करवाए हैं उन पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना ख़ास टाइम दिया और आपकी टीम का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने ये काम कर रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, माशाल्लाह आवाम की आवाज़ बन रहे हैं आप लोग, तो आपका ये काम जो है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको इस पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप ये लोग जो काम कर रहे हैं जो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, और हल्के की इलाके की लोगों की आम आवाम की आवाज़ आप दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को सराहा, हमारे काम को सराहा। अच्छा, इस वक्त हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ है रिसेंटली वो हुआ है कि आर्मी चीफ की तैनाती हुई है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप लोग इसे इवेंट कह रहे हैं, मैं इसे इवेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे मुल्क में हर तैनाती जो है वो एक इशू बना लिया जाता है, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है। हमने आर्मी चीफ साहब जो जनरल आसिम मनीर साहब जो तैनात हुए हैं, ये और साहर शमशाद मिर्ज़ा साहब की जो तैनाती है, इस पर सबसे बड़ी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक यकजहती का मुजाहरा किया और इसमें इत्तेहादी जमातों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसको इशू नहीं बनाया और इसको साथ सिस्टम के लेकर चलने के लिए आमीन कहा वज़ीर आज़म के साथ। तो ये इवेंट नहीं था, ये एक तैनाती थी, और ये हर सिस्टम के साथ चलना होता है, अगर तैनाती ना होती तो सिस्टम कैसे चलता, ये तैनाती थी। तो माशाल्लाह हमारा मुल्क जिस सूरत हाल पर चल रहा है अब इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। अच्छा, एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जो सदर आरिफ अलवी हैं वो कोई इसमें कोई डिले करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सदर हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनका भी शुक्रगुजार करूँगा कि उन्होंने सिस्टम के साथ चलने के लिए चलना चाहा। अगर वो इमरान खान के नुमाइंदे और इमरान खान को सपोर्टिव बनकर इस सिस्टम को रोक लेते तो ये उनके लिए सवालिया निशान था। वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इसलिए उनका साइन रोकना बनता नहीं था, उन्होंने कर दिए हैं, जो उनको उनके शुक्रगुजारी भी है और उन्होंने अपने सिस्टम के साथ चलना है। इमरान खान को और एक यकतरफा फैसला नहीं करना, उन्होंने 22 करोड़ आवाम का फैसला करना था, इसलिए उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। बहरहाल उन्होंने ये जो सिग्नेचर्स किए, जो दस्तखत किए, मेरे ख्याल में उन्होंने तो इमरान खान के मशवरे के साथ किए हैं, क्योंकि वो जमान पार्क भी गए और वहाँ पर उनकी इमरान खान के साथ मीटिंग भी हुई थी। देखें, इमरान खान साहब उनके लीडर हैं, अब मैं नहीं उन पर इस पर कोई बात करना चाहता हूँ। लो, उन्होंने जो भी बात की है, अब वो इधर सारी जमातें थीं, उधर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने अपनी जमात के साथ भी करना था। ये ऐसे तो नहीं है ना कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, सदर भी इत्तेहादी जमातों का। अब मसला ये था कि वो इमरान खान के नुमाइंदे थे, सदर पाकिस्तान है, 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, उन्होंने खान साहब को समझाया जाकर, उनसे मीटिंग की है, उनसे बात की है, और उस पर खान साहब भी ने भी तहम्मुल का मुजाहरा किया है। ये पाकिस्तान के मफाद में जो फैसले है ना, उसमें हम सबको मिलकर बैठना होगा, और अगर ये आरिफ अलवी ने इमरान खान से मशावरत की है तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी रवायात बनाई है कि अपने लीडर से, अपने लोगों से मशवरे लेना, ये बड़ी अच्छी रवायात है और इसको कायम रखना हमारे पर फ़र्ज़ है। और आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान की, अगर इमरान खान साहब इस पर मजीद थे कि हमने इस आर्मी चीफ़ को तैनात नहीं होने देना, हमने और कोई लाना है, असेंबली मुस्तरद करनी है, तो इसमें आरिफ अलवी साहब का बड़ा अच्छा अहम रोल है कि उन्होंने इस बात पर इग्नोर किया और सैयद आसिम मनीर साहब को आर्मी चीफ तैनात किया। अच्छा, अभी बात करते हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल की। वो आपके सामने है कि 13 से 14 जमातें जो हैं वो पीडीएम के नाम से उन्होंने एक जमात बनाई हुई है और वो इकट्ठे हुकूमत में है, और दूसरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी लॉन्ग मार्च लेके पिंडी की तरफ जा रही है, तो आप इस सब को कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो
सारी पीडीएम बनी हुई है वो पीडीएम की हुकूमत है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान ख़ान को भी ये हमने नहीं कहा है कि आप हमसे लैदा हैं, पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। इमरान ख़ान साहब भी इस वक्त हमल का मुजाहरा करें, आएँ कौमी असम्बली में बैठें, आएँ अपनी आवाम की आवाज़ बने। क्यों नहीं बनते, क्यों आज आर्मी चीफ या दूसरी तैनातियों पर या अपने मुल्क की सूरत हाल को तबाह करने के लिए चले हुए कौमी असम्बली में आए, जिसमें अवाम ने 22 करोड़ अवाम ने इलेक्ट करके इन लोगों को भेजा है, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, हमारे हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, हम भी कहें। लेकिन ऐसे क्या है कि सड़कों पर चलकर ये क्या मुल्क में बेहतरी आ जाएगी? आप मुझे बताएं कि जब भी खान साहब चले हैं 2014 से लेकर जिस तरह उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, उसमें भी आपने देखा है कि कितना बड़ा मुल्क किस सूरत हाल में, संगीन सूरत हाल में गया। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ने एक दफ़ा फिर पांव जमाने शुरू कर दिए थे। अब इसी तरह उनके अपने नुमाइंदे, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके अपने नुमाइंदे फैसल वाडा साहब जो कि साबक पी टी आई के मेम्बर कौमी असम्बली थे, उन्होंने भी ये बात आकर कही है मीडिया पर कि ये खूनी मार्च है, ये इंतशार होगा, इसमें लोग मरते देखूंगा मैं, फलां होगा, ऐसे होगा। उन लोगों को कैसे पता चल गया? हमें तो नहीं पता था, आप लोगों को तो नहीं पता था। अगर उसमें बात हुई है, वो इंतशार, अगर कोई मीटिंग में इंतशार की बात हुई है, तो वो लोग आगाह थे ना। उन लोगों ने जो भी बात की है, मैं समझता हूँ कि फैसल बाडा साहब इस क्रेडिट के हकदार हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सोचा, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए सोचा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल में और माजी और हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने लोगों से बात की आकर। तो देखें, इमरान ख़ान साहब को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इस इंतशार पसंदी को बंद करें, अवाम को बरगलाना, अवाम को ख़राब करना, मुल्क को जाम करना, मुल्क को रोकना, मैं समझता हूँ बंद करें। आज अगर आना है, अगर वाकई आप पाकिस्तान के लिए बड़े, पाकिस्तान के लिए परेशान हैं, अगर वाकई आपको पाकिस्तान का ख्याल है, तो आप आएँ कौमी असम्बली में, अपनी आवाम की नुमाइंदगी करें, आएँ बैठे कौमी असम्बली में बैठ कर बात करते हैं। इस तरह बातें नहीं होती। अगर ये सियासी नुमाइंदा है ना, सियासी नुमाइंदा सियासत में आकर बात करें, हमारा कोई जानी दुश्मन नहीं है, वो हमारा सियासी हरीफ है, हम सियासत में रहकर उसका मुकाबला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को भी पता चल गया कि वो क्या है, वो उसमें क्या वो तूफ़ान बम बने हुए हैं कि जो उसने हम पाकिस्तान की अवाम को उड़ा देना है। पाकिस्तान अवाम पढ़ी लिखी है, बाशऊर है, इसको समझ जाए कि इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जाना और ना जाएगी। इमरान ख़ान साहब जो मर्ज़ी कर लें, उनको एक दिन आकर फिर कौमी असम्बली में बैठना ही पड़ेगा। कौमी असम्बली में वो 2014 के लॉन्ग मार्च के बाद भी बैठे थे, आज भी आकर बैठना पड़ेगा। फ़ौज के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातें नहीं तय होती, जब भी बातें तय होती हैं वो कौमी असम्बली में अपने सियासी नुमाइंदों के साथ बैठकर बातें तय होती हैं। अच्छा, आपने बात की फैसल वाडे की, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी बनाया गया, क्योंकि उनकी जो स्पीच है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो पीटीवी पे भी नशर की गई, जो कि अनयूजुअल थी। रूटीन में ऐसा नहीं होता कि अपोजिशन का कोई लीडर हो, कोई भी बंदा हो, उसकी जो स्पीच है वो पीटीवी पे नशर की जाए। उसके अलावा हिना परवेज़ भट्ट की ट्वीट्स भी हमने देखी, और कुछ ऐसे साफ़ी जो हुकूमत की साइड पे से बात करते हैं, उन्होंने भी ट्वीट्स की कि 10 बजे ये सब कुछ सामने आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम नहीं छेड़ते, इस तरफ हम लोग नहीं आते। आपने बात की आवाम की, तो इस वक्त मुल्क में 3 बड़े सियासी लीडर हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अल जरदारी, या फिर उनका बेटा कह लें कि अब बिलावल। तो मंजर आम पे इस वक्त सिर्फ इमरान खान मौजूद हैं। अगर बात करें नवाज शरीफ की, तो वो लंदन में मौजूद हैं। बात करें बिलावल की, तो वजीर खारजा हैं, लेकिन मंजर आम से गायब हैं। उसके बाद तीसरे लीडर रह जाते हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ठीक है, वजीर आजम हैं, लेकिन उनकी और उनकी काबीने की सबसे पहली कोशिश ये होती है कि इमरान खान के उसको रोका जाए, और उसके अलावा उनको कोई काम और मेरे ख्याल में उनको नज़र नहीं आता। तो ये मुल्क जो है, ये अवाम का मुल्क है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, और आयन की रूह से अवाम ही ताकत का सर चश्मा है। तो इमरान खान उसी अवाम में गए हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि जिस अवाम ने उसको इलेक्ट किया है, वो उसी अवाम में, उसी अवाम को लेके वो रोड पे निकले हुए हैं? देखें, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोग इस बात को मान गए हैं कि नवाज शरीफ लीडर है, नहीं तो हमारे जो सियासी हरीफ हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ लीडर ही नहीं है, इसकी सियासत ख़त्म हो गई है। आज उसी नवाज शरीफ ने छठा चीफ आर्मी चीफ तैनात कर दिया।
मैं पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान में इस वक्त जिस सूरत-ए-हाल से गुज़र रहा है, पाकिस्तान इस वक्त जिस संगीन हालात से गुज़र रहा है, इसमें हम सब हमारे सब लीडरान को बैठना चाहिए। इस पर इकॉनमी पर हमारी माशी सूरत-ए-हाल को सही तरीके से चलाना पड़ेगा। इमरान खान अपनी अवाम में गए हैं, कल नवाज शरीफ भी अपनी अवाम में था, कल आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, सब लीडरान अपनी अवाम में थे। अवाम की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं कौमी असम्बली में बैठकर। ऐसे अवाम की नुमाइंदगी नहीं होती, हक के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन ये क्या हक है कि अपनी प्राइम मिनिस्टर की सीट से उठाया गया, वो ठीक गलत हो गया, अगर किसी को उठाना है तो वो ठीक है, ऐसे बात काम नहीं चलेंगे। मैं यही कहूँगा कि अपने लीडरान से, मैं यही कहूँगा तमाम पाकिस्तानी सियासी लीडरान से कि आए बैठें जी, पाकिस्तान को आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमने इसको मिलकर ठीक करना है। अगर नवाज शरीफ की बात करें तो मियां साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान में मोटरवेज के जाल बिछाए, काम करने की तो अखीर कर दी। अगर नवाज शरीफ के मुकाबले पर आना है तो उस पर काम करके दिखाने पड़ेंगे, ऐसे बड़के चोर जूठे नारे लगा कर ये कोई मुकाबला नहीं है। सियासी हरीफ बने, आए मुकाबला करें, आए इलेक्शन लड़ें। इंशाल्लाह मैं आपको पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह मेरा कायद, मेरा लीडर, मेरा शेर दी लीडर बिया नवाज शरीफ इस दफ़ा उसकी दिसंबर में वो आएगा और इंशाल्लाह वो अपनी सालगिरह पाकिस्तान में आकर मनाएगा। अच्छा, वो यहाँ से गए 4 हफ़्तों के लिए थे और अभी तकरीबन 3-3.5 साल बाद वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने एक एफिडेविट भी जमा करवाया था अदालत में कि वो 4 हफ़्तों बाद वापस आ जाएंगे, वो अपने इस वादे पे पूरा ना उतर सके। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपकी जो कारकुनान हैं उनको, उनकी भी दिल आज़ारी तो होती है ना कि एक जो उनका मुखालिफ लीडर है वो अवाम में मौजूद है, वो मुल्क में मौजूद है, और जो उनका लीडर है वो बाहर जा के, पहले उधर इंग्लैंड में था, अभी यूरोप में निकल गए हैं, उनको आना पाकिस्तान चाहिए था तो अभी वो उधर निकल गए, अभी जब उनको लगा कि माहौल मेरा साजगार हो गया है, आर्मी चीफ मेरी मर्ज़ी का तैनात हो गया है, उसके अलावा हुकूमत हमारी अपनी है, तो अभी वो वापस आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं जाके ये वो एक छोटी सी वो बुजदलाना हरकत बन जाती है कि जब अपना माहौल हो तो फिर बंदा आ रहे, उसके अलावा बंदा पाकिस्तान से बाहर रहे? देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब की आप लोग जो बातें, मेरे सियासी मुखालिफ जो बातें करते हैं कि वो बहाने लगा कर बैठा हुआ, फलां करके बैठा हुआ, मेरे भाइयों ये सेहत की जो सेहत का जो मसला है ना, इस पर हम सबको, किसी सियासी मुखालिफ को भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं बात करनी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अगर शक है किसी का तो आए हम साबित कर देते हैं। वो उनकी जो एज है, उनकी जो लिमिट है, अब वो पाकिस्तान का जो माहौल था उसमें वो सही फिट नहीं हो रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हैं, अभी भी इलाज है, जिस जोर में वो सैर सपाटे के लिए नहीं गए, हाँ फैमिली के साथ एक होता है, फैमिली साथ जाती है, तो उन्होंने गए हैं, वहाँ भी कोई उनके ट्रीटमेंट थे, वो करवा कर इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आएंगे। दूसरी बात जो आपने की है कि उनका आर्मी चीफ अपना लग गया है, अपने जेन के मुताबिक अच्छा लग गया है, आर्मी चीफ पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान का नुमाइंदा है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का हाफिज़ है, तो वो मियां नवाज शरीफ चाहे, वो इमरान खान चाहे, वो कोई भी चाहे, वो अपना लगा सकता है। अगर कल को फैज़ हमीद साहब या कोई और जो तीसरा बंदा लग जाता है तो हम कहते हैं कि वो इमरान खान के हक का बंदा है, नहीं, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को बदनाम मत करें। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है, इनको इनकी लिमिट में रहने दें, अगर आप खुद घसीटेंगे इनको सियासत में तो वो तो सियासत में खुद आएंगे, आप इनको, इनका तज़किरा बंद करें, सियासत में मत इनकी इन्वॉल्वमेंट करें, क्यों, हमारा नुमाइंदा है, हमारा मुहाफ़िज़ है, हमने उसको बदनाम नहीं करना, हमने अपनी पाक फ़ौज की इज़्ज़त बहाल करनी है और इंशाल्लाह पाक फ़ौज हमारे लिए और मज़ीद पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बेहतर करेगी, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़र्बे अर्ब दूसरे मिशन शुरू किए थे, तो ये नहीं, मैं अब नेक्स्ट टाइम मैं किसी से भी बात करूँगा तो मैं उससे यही कहूँगा कि आर्मी चीफ का ना तो वो नवाज शरीफ का है, ना वो शहबाज शरीफ का, ना वो किसी और जमात का है, वो तो अफवाज पाकिस्तान का नुमाइंदा है, वो हमारा नुमाइंदा है, हमारा मुहाफ़िज़ है। इस तरह किसी भी फौज के बारे में बात ना करें, मैं इसको कंडक्ट करता हूं इसकी। मैं दूसरे नंबर पर यह कहना चाहता हूं, इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लीडर हैं, उनको 3 दफ़ा इसी अवाम ने, इसी पाकिस्तानी अवाम ने 3 दफ़ा इलेक्ट करके भेजा था, अभी इंशाल्लाह माहौल साजगार की वजह से नहीं है, अब उनकी बेहतरी आने लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बेहतर हो गई है, इंशाल्लाह जैसे ही पाकिस्तान आएंगे
और पाकिस्तान में अपनी नुमाइंदगी करेंगे दोबारा। आप सब के सामने पता लग जाएगा इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान का मियां नवाज़ कौमी असम्बली में जाएगा। यही इमरान खान उसका सियासी मुखालिफ है, आज बैठे मुतहम्मल का मुजाहिदा करे, उसके साथ बैठे आए बात करें पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान के हक़ की है तो अपने हक की बात ना करें। मियाँ नवाज शरीफ ने अपने हक़ की कभी बात, मैंने नहीं, मेरे नहीं पता इलम में है कि कोई नोटिस में आया कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने हक़ की आवाज़ बात की हो, जब भी की है पाकिस्तान के हक़ की बात की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के पास है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। तो कोई ये ना कहे कि नवाज शरीफ बाहर है, वो अपनी आवाम से बाहर है। आप उस इस वक्त उसकी पार्टी की हुकूमत है, इस वक्त उसकी पार्टी की हुकूमत है, मियाँ शहबाज शरीफ पार्टी का सदर है, उस वो लीडर मौजूद है, जहाँ कोई इशू नहीं है ऐसी बात का। अच्छा बात करें कि फ़ौज के खिलाफ या किसी भी आइनी इदारे के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने माजी में सुना बारहा जो भी मुश्किल में आया उसने इदारों का नाम भी लिया, गुजरांवाला जलसा हमारे सामने है, बाकी और भी जावेद लतीफ़ साहब के बयान हमारे सामने हैं, और भी काफ़ी लीडरान ने बात की, लेकिन अभी हम इसको साइड पर रखते हैं। अभी बात करते हैं मीशत की। तो इमरान खान साहब को बकौल पी डी एम के उन्होंने अदम अतमाद इसलिए ले के आए कि मुल्क में महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, बैड गवर्नेंस थी, ठीक है इसको मान लेते हैं, ये सारी बातें ठीक थी, लेकिन अदम अतमाद आने के बाद मुल्क में क्या बेहतरी आई वो बताइएगा। देखें इमरान खान की साढ़े पौने चार साल की जो कारकर्दगी वो आप सबके सामने है। अब जो तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए हैं पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, इसमें आकर पाकिस्तान को जो कह रहा था कि श्रीलंका बनने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो माहौल साजगार हुआ, पाकिस्तान बेहतरीन हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई है। जितने हम संगीन हालात वो पौने चार साल में छोड़कर पीछे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की आवाम तरक्की करेगी, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। अच्छा जब इमरान खान 9 अप्रैल को यहाँ से गए थे पाकिस्तान से, उन्होंने वजारत उज़्मा का उहदा छोड़ा था, उस वक्त हमारे जो रिजर्व थे वो 22 बिलियन डॉलर थे, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो 7.9 बिलियन डॉलर है, ठीक है आप कह रहे हैं कि हालात बेहतर हुए हैं, उस वक्त जो हमारा डिफ़ॉल्ट करने का जो हमारे चांसेज थे वो तकरीबन 4% थे, अभी तकरीबन 90% के करीब पहुँच गए हैं, जो आलमी जरीदे हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने कहा था कि साख डार जब आएंगे तो वो कोई ऐसा जादू चलाएंगे, कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमाएंगे कि मुल्क की जो इकानमी है वो बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि रेट्स भी डबल हो गए, हर चीज़ के रेट्स डबल हो गए, पेट्रोलियम के रेट्स डबल हो गए, डॉलर्स के रेट डबल हो गए, हमारी जो ऐशे खुर्दनोश थी उनके रेट्स डबल हो गए, तो आपको कहाँ पर इकानमी बेहतर लग रही है? देखें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसहाक डार साहब जो हैं वो 2013 से लेकर 2018 तक के भी मिनिस्टर रहे हैं वज़ारत ख़जाना के, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है उसी कारकर्दगी वही इंशाल्लाह कारकर्दगी अब इस दौर में भी होगी। अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है इलेक्शन में, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता इतना पौने चार साल का गंद जो है वो हमने अपने सर पर उठाया है, उसको बेहतर आहिस्ता आहिस्ता ही करना होगा। ये तो नहीं है कि एक दफ़ा आना है एक बंदे ने आकर जादू फेरना है वो सारा काम हो जाना, अब वो ना जो जादू रहे हैं ना वो बातें हैं वो कहानियां थी, इंशाल्लाह आए हैं वो बेहतरीन हालात लाएंगे, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे, पाकिस्तान की माशी पाकिस्तान को इस संगीन बरहानों से निकालेंगे। आप भी इधर हैं मैं भी इधर हूँ, इंशाल्लाह ये चंद सालों की बात नहीं है, जे कुछ महीनों के बाद इलेक्शन दोबारा हो जाने, जिसकी कारकर्दगी बेहतर होगी वो आगे नेशनल असम्बली में दोबारा आएंगे, उसकी हुकूमत बनेगी, इसमें कौन सा लिखा है। लेकिन इंशाल्लाह जब से जा कोई वो नहुसत होगी जा वो कोई भी है, इमरान खान 3.5 साल में, मैं ये नहीं कहता हूँ हमें यकीन माने कि पंजाब की हुकूमत हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक अकेली वफाक की हुकूमत है, लेकिन ईमानदारी की बात है मैं आप सबको ये पाकिस्तानी बताना चाहता हूँ कि 4.25 साल इमरान खान की हुकूमत थी, उसमें परेशानियों का वो आलम था कि बंदा हर बंदा ही परेशान था। अब हालांकि है वही हालात हैं, थोड़ा को बेहतर हुए हैं या ज़्यादा कोई ख़राब हुए हैं, लेकिन वो आवाम का जो बोझ था वो परेशानियाँ थीं उससे जान छूट गई है। इमरान खान एक नहुसत का नाम है, इमरान खान उस शख्स का नाम है जो ज़िद्दी है, इस ज़िद्दी लाडले को आप मज़ीद ज़िद्दी नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह इसकी ज़िद को तोड़ेंगे और इसको बंदे का बच्चा बनाएंगे।
अच्छा, आपने उनके पिछले पौने चार साल की बात की कि पिछले पौने चार साल का गंद जो है वो 9 माह में या 10 माह में ठीक नहीं हो सकता। यही क्लेम इमरान खान करते थे कि 70 साल का गंद जो है वो मैं चंद दिनों में या चंद माह या चंद सालों में कैसे ठीक कर सकता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, खुद मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना था कि जिस वजीर खजाना की बात आप कर रहे हैं, 2013 से लेकर 2018 तक वो वजीर खजाना रहे और उन्होंने मुल्क को मतलब बेहतर रखा, खुद मिफ्ता इस्माइल का बयान था कि उन्होंने डॉलर को जो आर्टिफिशली तौर पर उन्होंने उसका रेट कम करके रखा। उसके अलावा अभी आप बात करें कि इमरान खान एक नौसत का नाम है या जो भी आपने जबान इस्तेमाल की, तो आप देख रहे हैं कि पब्लिक उसके साथ है। वो एक कॉल देता है, लोग सड़कों में निकल आते हैं बगैर, जब वो गया था 9 अप्रैल को वो गया था, उसने कॉल भी नहीं दी थी लेकिन लोग सड़कों पे निकल आए थे। तो उस जिसको आप नौसत कह रहे हैं उसको कौन रोकेगा? पब्लिक तो उसके साथ है, तो आप कैसे रोक लेंगे उसको? कोई क्या आपके पास तरीकाकार है कि आप उसको रोक लेंगे? देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब का जो बयान था वो उनका कोई अपना ज़ाती बयान होगा या उनकी सोच के मुताबिक, कभी भी डॉलर आर्टिफिशियल तरीके से कभी स्टेबल नहीं हुआ। जब भी स्टेबल हुआ, कोई माशी सूरत बेहतर हुई है तो उस वक्त हुआ। दूसरे नंबर पर जिस नहोसत का मैं नाम ले रहा हूँ, इमरान खान, उसके साथ आपने कहा अवाम है, इतनी है, फलां है। अवाम जो है ना, वो इमरान खान की अपनी जमात की जो अपने उनके रुकन है वही हैं। अगर कोई आम आम आदमी, आम गरीब आदमी, एक किसान, एक मजदूर, एक हर वो आदमी जो जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको निकाले, निकाल के लेकर जाए। अवाम तो परेशान है, वही लोग जा रहे हैं जिसे आज इमरान खान कह रहा है कि मैं कॉल देता हूँ वो फौरन निकल आते हैं, वही लोग हैं जो जनाब उसके पार्टी के रुकन है, जो पार्टी का नोटिफिकेशन लेकर बैठे हुए हैं। और आम आदमी, आम मजदूर तबका, पेशा अफराद जो ज़रूरतमंद है, जो इस परेशानी के आलम में रह रहे हैं, वो तो कभी नहीं गए हैं। आपने देखा होगा, तो थर्ड मेजोरिटी के साथ अगर मेरा लीडर नवाज शरीफ आया है तो उसके पास अवामी ताकत थी। अवामी ताकत क्या है? अवामी ताकत ये नहीं है कि अपने पार्टी के अहदेदारों को कहीं आज निकलें। इधर मरियम नवाज का जलसा था, मेरी आँखों के सामने चश्मदीद गवाह हूँ उसका, कि वो जलसा रात को 7 बजे वो उन्होंने इधर कोट मोमन इंटरचेंज पर उतरना था। यकीन माने सुबह 5 बज गए हैं, वो आवाम उधर से हिली नहीं। ये होती है आवाम, ये होती है पावर, अवामी पावर जिसे कहते हैं। अगर कोई बंदा पार्टी के अहदेदारों को कहे वो निकल आए, वो निकल आते हैं, तो वो ये तो नहीं है कि अवामी ताकत है। वो अपने लोगों को बुलाता है, अपने लोग उसके आ जाते हैं। कोई अवाम को लेकर जाएगा, कोई जाता है मजदूर, कोई जाता है जो जिसने रोज़ाना दिहाड़ी लगानी है, अपना घर का खर्चा सिस्टम चलाना है, वो जाता है, वो लेकर जाए, कोई उसको चलाए। अभी मेरे गाँव में ये पूरा गांव मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, जो चीमा साहिबान की, चीमा साहिबान का गढ़ होता था। 45 साल चीमा साहिबान इस इलाके से जीतते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही गांव है जो आज ताइचक, जिसका नाम है वो मियां नवाज शरीफ का गढ़ बन चुका है। उसमें भी इन लोगों ने जो आवाम लेकर गए, उनको दिहाड़ियाँ दी हैं, उनको पैसे दिए। ऐसी आवाम को निकाला नहीं जाता, लेकर जाए कहाँ? एक लीडर कॉल दे तो पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा हलका निकले। ऐसे ना निकलता है ना कुछ जाता है। अगर जाता है वो अवामी ताकत से जाएगा, तो अवामी ताकत किसके पास है वो आप सबको पता है। अगर आपको लगता है कि अवामी ताकत मुस्लिम लीग नून के पास है, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन का मुतालबा मान लेना कोई गलत बात नहीं है, जो अभी तक आप लोग नहीं मान रहे। खैर, उसको हम छोड़ते हैं। अभी बात करते हैं कि हल्के में जो मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं वो हमारे MNA हैं, और उन्होंने अब तक क्या कुछ तरक्याती काम करवाए हैं इस हल्का में? जी, मैं आप सबको, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। मैं रजिस्टर साहब का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, तो मैं अपने हल्के की आवाम के सामने ये ज़रूर जवाब रखूँगा कि मेरे जो हल्के के MNA हैं, जिनका नाम रजिस्टर मोहसिन नवाज रांझा है, उनका माजी देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह माजी उनका कामों से, तरक्याती कामों से भरा हुआ है। अगर उनका हाल देख लें, तो उन्होंने हाल में जो जितनी भी उनके पास टन्योर आया पंजाब का, वफाक का, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाम को हर तरह के लिहाज से अपनी आवाम को रिलीफ दिया है, अपनी आवाम के लिए हक के लिए आवाज़ उठाई है। कौमी असम्बली में बैठकर और दूसरी जगहों पर बैठकर अपनी आवाम की हक की आवाज़ उठाई है। मसला ये है कि चंद महीने हमारी पंजाब की गवर्नमेंट आई है, उसमें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कि चीमा साहिबान ने अभी तक पास नहीं करवाए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास करवाए हैं।
और उनका नोटिफिकेशन बाकायदा मिनिस्टर साहब ने उस वक्त जारी कर दिया था। अब पंजाब की हुकूमत ना होने की वजह से हल्का में कुछ सारा पंजाब का इलाका है, पंजाब के काम होने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वफाक का फंड है हमारे पास वो अपनी आवाम को दे रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं और हो रहे हैं। अब जो चीमा साहबान के साथ हैं उनका तो अब नाना अपना वज़ीर आला है तो वो तो कुछ भी करवा सकते हैं, ये बात नहीं है। इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब ने जो भी काम करवाए हैं वो आप सब के सामने है। हमारा हल्का जो है ये अभी मिनिस्टर साहब के साथ अटैच हुआ है। पिछला हल्का देख रहे हैं 65 वाला, उन्होंने तरक्याती कामों के रिकॉर्ड बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने इलाकों में, अपने डेरों पर सड़कें, अपने हर घर में, हर गाँव में, हर डेरा जात में उन्होंने गैस पहुँचाई है, मोटरवेज़ का इंटरचेंज उन्होंने इधर लाए हैं। तो ये उनके कारनामे हैं। आगे भी मुस्लिम लीग नून अपने अभी जो हमने जो मेन काम किए हैं उनमें सियाल मोड़, कोट मोमन और बागटा वाला का भी अभी कुछ एरिया चल रहा है कि हमने जहां अपना फीडर्स कायम कर रहे हैं, बिजली घर बना रहे हैं और ताकि लोगों को इलाके को फ़ायदा हो।